गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जननांगों की आकारिकी एवं जीवन चक्र, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, साइकस का नरसंघ, नरसंघ की बाह संरचना या रचना, नर पौधे के तने के अग्रस्त भाग पर एक नर कोण उत्पन्न होता है। ठीक है, नर पौधे यानी मेल प्लांट के स्टेम के एपेक्स भाग पर एक मेल कोण उत्पन्न होता है। अतः मेल कोण बनने के बाद तने की ग्रोथ एक लेटरल बड्स के द्वारा होती है। यानी नर कोण बनने के बाद तने की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, एक पार्श्वकलिका के द्वारा होती है और नर कोण को एक ओर धकेलकर मुख्य अक्ष के रूप में ग्रोथ करने लगती है। इस प्रकार की वृद्धि को सिंपोडियल कहते हैं। प्रत्येक नर कोण यानी मेल कोण लंबा, सघन यानी कॉम्पैक्ट तथा तिकोना यानी कोनिकल होता है, जिसकी लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक मेल कोण का जो एक्सिस होता है उन पर अनेक माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरल रूप से एक्रोपेटल क्रम में लगे रहते हैं। ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल या एक्रोपेटल क्रम में यानी अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। परिपक्व नर कोण के आधार एवं अग्रस्त भाग पर लगे हुए माइक्रोस्पोरोफिल्स आकार में छोटे होते हैं और मध्य भाग में लगे स्पोरोफिल्स आकार में बड़ा होता है। ठीक है, मध्य में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और अग्रस्त भाग में जो लगे होते हैं वो छोटे होते हैं। ये हो गया, यहाँ पे देखिए स्केल लीफ्स है, यह इसका एक्सिस है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, यह है नरसंघ की लंबवत काट। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल गहरा भूरा, कड़ा एवं तिकोनी संरचना वाला होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल किस कलर का होता है, ब्राउन यानी भूरा तथा कड़ा होता है और तिकोना यानी कोनिकल संरचना वाला होता है। यह नीचे की ओर सकरा तथा ऊपर की ओर चौड़ा होता है। ठीक है, नीचे की ओर कैसा होता है, सकरा और ऊपर की ओर चौड़ा होता है। ऊपरी भाग एक स्टेराइड डिस्क जैसी संरचना बनाता है जिसे एपोफाइसिस कहते हैं, जिसका सिरा नुकीला होता है। स्पोरोफिल की डार्सल सतह चिकनी तथा स्टेराइल होती है, किंतु वेंट्रल सतह पर अनेक माइक्रोस्पोरेंजिया स्थित होते हैं। कहाँ पे, वेंट्रल सतह पे स्पोरेंजिया 3 से 4 के समूहों में स्थित होते हैं और ये समूह सोराई कहलाते हैं। ये सोराई एक मध्य स्टेराइल रेखा द्वारा 2 समूहों में दिखाई देते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर 500 से लेकर के 700 सोराई पाए जाते हैं। सोराई के बीच बीच में इंड्यूशियल हेयर अथवा सोरल हेयर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, यह है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल, ये हो गया यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया और यह है यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम छोटी सवृंत अंडाकार संरचना वाली होती है। ठीक है, कैसी होती है, अंडाकार संरचना वाली होती है। स्पोरेंजियम में बहुस्तरीय भित्तियां यानी वाल पाई जाती हैं। बाहरी स्तर एपिडर्मिस तथा भीतरी स्तर टेपेटम कहलाता है। बाहरी स्तर, बाहरी लेयर क्या कहलाता है, एपिडर्मिस, तथा भीतरी जो होते, जो अंदर वाली लेयर होती है, क्या कहलाती है, टेपेटम कहलाती है।
प्रत्येक स्पोरेंजियम में बहुत अधिक मात्रा में हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। स्पोरेंजियम की वाल में एक पार्श्व दरार बनती है जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर बाहर निकलते हैं। ये माइक्रोस्पोर हुए, ये हो गया देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे क्या आता है, इनके स्पोरेंजिया भित्ति में एक पार्श्व दरार बनती है जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ पे हो गया म्यूसलस कैनाल। यहाँ पे है मिसार्ज वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब इसके आगे का हम अगले दिन पढ़ेंगे।